गुमला में HDFC कॉरपोरेट बैंक में ज्वाइनिंग और खाता खुलवाने के नाम पर 28 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। दर्जन भर से अधिक पीड़ितों ने गुमला SP हरविंदर सिंह को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने बताया कि ज्वाइनिंग का झांसा देते हुए फर्जी लेटर दिया गया, इसके बदले में 7,000 से 20,000 रुपए तक लिए गए। बाद में इन्हीं युवकों की मदद से 71 लोगों का खाता खुलवाने के नाम पर 2500 से 1,00,000 से अधिक रुपए तक जमा कराए गए हैं। रकम जमा कराने के बाद ठग फरार हो गए। ठगी के शिकार दिलीप नाग, निखिल सिंह, इम्तियाज अली, मृत्युंजय सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि फर्जी तरीके से वेबसाइट भी बनाया गया और दर्जन भर से अधिक मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। बेरोजगार युवाओं को लीगल मैनेजर, बिजनेस मैनेजर सहित अन्य पदों में बहाली करते हुए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया। मार्च 2023 से ही गुमला, चतरा, खूंटी, रांची, लोहरदगा सहित अन्य जिलों में HDFC बैंक के नाम पर खाता खोलने, लोन देने, बिजनेस कार्ड देने के नाम पर ठगी की गई। SP गुमला ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। कॉर्पोरेट के नाम से वो निखिल सिन्हा के नाम से वो मुझे भी ज्वाइनिंग करवाया। उसके बाद ज्वाइनिंग करवाने के बाद सारे कस्टमर के अकाउंट खोलने के लिए बोला गया, जिसमें कॉर्पोरेट कार्ड मिलेगा, जिसमें 10 लाख 20 लाख रुपया कॉर्पोरेट कार्ड के हिसाब से बोलता था कि अकाउंट खोलिए। 20,000 25,000 सारे अकाउंट में, 40 अकाउंट मैंने लोहरदगा से खोल लिया। उसके बाद वो जब अकाउंट में जो कस्टमर का कुछ नहीं आने लगा तो वो सब कस्टमर सब इंक्वायरी करने लगा। जब मैं बैंक गया तो वहाँ पता चला कि फर्जी अकाउंट खुला हुआ है। हम लोग के साथ जैसे जो हम लोग के साथ ज्वाइनिंग वगैरह कराया गया, उस ज्वाइनिंग का पैसा भी हमारे से लिया गया। उस संदर्भ में बात ये हो रहा है कि हमें बोला गया कि खाता खोलिए और खाता खोलने के नाम पे कस्टमर को लोन देगा। जैसे कोई 25 लाख का लोन दे रहा है, उसके लिए एक 25,000 रुपया से लेके 1,00,000 रुपये तक का लोन देने का वो बोला था। तो उसी आधार पर हम लोग जितने भी मेरे बसिया प्रखंड हुआ, गुमला, कुटी, सिमडेगा में टोटल जितने भी मैंने खाता खोला, अभी तक किसी का खाता नहीं खुला, साथ में किसी का कोई लोन नहीं मिला और वो सारा पैसा वो गबन कर दिया। हमने थोड़ा छानबीन करने का प्रयास किया। उसका घर नज़दीकी गुमला का निवासी है, उसका पिताजी का नाम अशोक कुमार गुप्ता है, जो उससे मिला हुआ है। उसका पुस्तैनी गाँव है आपका मुर्गू।